चैप्टर टू देख रहे हैं। इसमें जो सी प्लस प्लस क्या है, ये सी का प्लस प्लस है, वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे इसमें। तो सी प्लस प्लस जहां तक कि क्लासेस ऑब्जेक्ट का सवाल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का सवाल है, सी प्लस प्लस का सिंपल मतलब होता है कि सी प्लस वन, यानी कि सी जो है वो उसके कॉन्सेप्ट तो आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में सी प्लस प्लस यानी कि और भी कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और आगे जो हम और डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर ओओपी की बात करें तो वो किससे मिलके बनती है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, मॉड्यूलैरिटी है। इसमें बहुत सारे शब्द जो है वो आपकी बायोलॉजी से आए हैं। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, और जो क्लासेस हैं अलग अलग उनके आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, फिर उन्हीं के अंदर आप देखेंगे कैसे हम इनिशियलाइजेशन कर लेंगे प्रायर, उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी उसे हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं, ऐसे हमारे पास अलग अलग एक्सेस स्पेसिफायर है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सब का समागम है। क्लास, आपका स्कूल, उसमें आपकी क्लास जहां आप अभी बैठे या बैठे होंगे, वो जो क्लास है उसी क्लास के बारे में बात हो रही है। क्लास कलेक्शन ऑफ डेटा है, डेटा मेंबर, जैसे कि आप लोग हैं, अरे आपके दोस्त, आपके मित्र, वो सारे उस क्लास में हो गए। उसके बाद फंक्शंस, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बातें करते हैं, ये सारे आपके फंक्शंस हो गए, मेथड हो गए। और ये सारे काम किस पे हो रहे हैं, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं तो कौन बात कर रहे होंगे, आप ही लोग तो बात कर रहे होंगे, डेटा पे काम हो रहा है। तो क्लास एक कलेक्शन है डेटा का और साथ में फंक्शंस, और ये फंक्शन जो है इस डेटा पे काम कर रहे हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट की, जैसे आप ओरिजिनल की बात करें उससे फोटोकॉपी निकाल सकते हैं बहुत सारी, तो एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। एक क्लास बना दीजिए, एक ओरिजिनल बना दीजिए, उससे जितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं बनाते रहिए। जब भी क्लास क्रिएट होगी कोई भी मेमोरी आप एलोकेट नहीं करते, जब तक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो यही से, इसी क्लास की डिस्कशन से ही ऑब्जेक्ट निकल आया। ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ये आपका ओरिजिनल है तो इसकी फोटोकॉपी क्या है, ऑब्जेक्ट ना। तो क्लास, क्लास इसका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। जैसे क्लास है, अब ऑब्जेक्ट वन बना लीजिए, ऑब्जेक्ट टू बना लीजिए, ऐसे चलते चले जाएगा जब तक आपको बनाना है। डेटा मेंबर, अब एक क्लास जो होती है इस तरीके से आप समझिए, आप लोग हैं इसमें, ये आप लोग हैं, ये सारे डेटा हो गए। डेटा जो क्लास के अंदर आप डिक्लेयर करते हैं उसे हम डेटा मेंबर कहते हैं। मेंबर फंक्शन, अब यहां पर आपका है प्लेइंग, प्ले कर देता हूं मैं, ध्यान रखिएगा, आप जो है नाउन है, प्ले जो है वर्ब है। जो भी नाउन होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, मेंबर। और जो प्ले है, प्लेइंग है, स्लीपिंग है, टॉकिंग है, रीडिंग है, वो सारे वर्ब है। तो मेंबर फंक्शन ये वो मेथड है जो आप क्लास के अंदर ही लिखते हैं। क्लास के अंदर आप डेटा मेंबर लिखते हैं, साथ में मेंबर फंक्शन लिखते हैं। तो ये जो मेंबर फंक्शन है किस पे ऑपरेट हो रहे हैं, आपके ऊपर, यानी कि आप ही तो प्ले कर रहे होंगे, ये वाली बात है इसमें। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, आप एक कार चला रहे हैं, अब कार में जो एसेंशियल नीचे चीजें लगी हुई है उससे आपको वास्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई, कई लोग इसमें आर्ग्यू करेंगे होना चाहिए, लेकिन अगर आप कार चला रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको केवल ड्राइविंग आनी चाहिए प्रॉपर, वो भी रोड पे बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बाकी बैकग्राउंड डिटेल की जानकारी लेके क्या करेंगे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन यही कहता है कि एसेंशियल फीचर दिखाओ, बाकी चीजें छुपाओ। डेटा इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि एक कैप्सूल है, उस कैप्सूल को बच्चे के मुंह में या आप खुद भी अपने मुंह में डालते हैं, इसके ऊपर जो चीज होती है वो भी आपके पेट में घुल जाती है। इसके अंदर कौन सी दवाई है कुछ पता नहीं, अगर दवाई हम मुंह पे देंगे बच्चे के मुंह में रखेंगे, कड़वी है तो खा नहीं पाएगा, आप भी नहीं खा पाएंगे।
तो कैप्सूल बना दीजिए। तो डेटा और फंक्शन को एक कैप्सूल बना के रखिए और इसको हम कहेंगे क्लास डेटा हेडिंग। जो डेटा हेडिंग है सी में या सी प्लस प्लस के पहले जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी उसमें एक बड़ी दिक्कत ये थी कि जो डेटा है मेन असली चीज तो डेटा होती है। आपको मोबाइल खोता है तो आप इसलिए तो नहीं ना घबराते हैं कि मेरा मोबाइल खो गया, आप इसलिए डरते हैं कि मेरा डेटा चला गया। इसके अंदर आपके कुछ पिक्चर्स होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे, वीडियोज होंगे, तो वो उसके लिए आप दुखी होते हैं। तो जो इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल है उनको हाइड कर दीजिए। और डेटा हाइडिंग का मतलब ये है कि जो क्लास है उसकी एक्सेस को रोकिए, उसको प्रोटेक्ट करिए, उसको चेंज होने से बचाइए, उसकी इंटीग्रिटी को रोकिए। कोई भी अनइंटेंडेड, मैं इंटेंडेड नहीं कर रहा हूँ, अनइंटेंडेड चेंजेस भी है वो उस पे ना होने पाए। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है? नई क्लास एग्जिस्टिंग क्लास से या बेस क्लास से। अब आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आए, आपने इनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट की, तो आप आए फिर आपके बच्चे होंगे, इस तरीके से होता रहेगा। इनहेरिटेंस एक तरीका है जिसे नई क्लास बनेंगी, एग्जिस्टिंग क्लास एग्जिस्ट रहने दीजिए, उसको हम बेस क्लास करेंगे। जो क्लासेस नीचे बनेंगे उनको हम कहेंगे डिराइव क्लास। बेस क्लास, बेस क्लास क्या हुआ? जिस क्लास से आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं यानी कि जिसके मेथड और डेटा मेंबर्स को आप डिराइव कर रहे हैं नए क्लास से, इसको हम बेस क्लास कहते हैं। बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास या सुपर क्लास भी कहते हैं। डिराइव क्लास वो क्लास जो बनेगी और वो जो ऊपर वाले यानी कि बेस क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास के डेटा या मेथड को इनहेरिट करेगी, लेगी, उसको हम कहेंगे डिराइव क्लास। इसको हम चाइल्ड क्लास या सब क्लास भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये होता है, पॉली मतलब एक से ज्यादा, मॉर्फ मतलब एक से ज्यादा फॉर्म। आपने देखा होगा बहुरूपिया कहते हैं आप, मतलब एक से ज्यादा जो रूप बना सकता है, इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म का यही मीनिंग है। अब ये कॉन्सेप्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो एक से ज्यादा डेटा को एक ही फॉर्म में अगर आप एक्सेस कर सके उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, आपका घर है उसमें लॉक लगा हुआ है, कोई आ सकता है, आपके घर वाले तो सब जगह आ सकते हैं, आपने सबकी एक्सेस डिफाइन की है। अगर कोई कुछ बेचने आया है तो आप उसको गेट से ही बात करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं। एक्सेसिबिलिटी इनकी बताता हूं, अगर प्राइवेट है तो मेंबर फंक्शन के थ्रू अगर एक्सेस कर रहे हैं चीजों को तो आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों ही एक्सेस कर पाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं तो प्राइवेट को नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्टेड को भी नहीं कर पाएंगे, हाँ पब्लिक को जरूर कर पाएंगे। लेकिन अगर डिराइव क्लास पे चले गए आप तो इनको, इसको नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड थोड़ा सा एक इंटरमीडिएटरी है इसलिए इसको कर सकते हैं, पब्लिक को तो आराम से कर सकते हैं, तो तीनों ही केस में पब्लिक को कर पाएंगे आप। सिंटेक्स क्या होता है क्लास का, बहुत ध्यान से देखिए, एक एक करके बताऊंगा। क्लास यहां पर है तो क्लास यहां पर है, एग्जाम्पल भी साथ में चल रहा है, ये क्लास का नाम है, क्लास का नाम स्टूडेंट दे दीजिए या आप कोई भी नाम दे दीजिए जो तर्क संगत है, जो यहां पर आपके कंटेंट को मैच करना चाहिए। अब आपने अलग अलग इसके, अभी अभी हमने क्या पढ़ा लास्ट में, हमने देखा एक्सेस स्पेसिफायर, यहां पर एक्सेसिबिलिटी के लिए एक्सेस स्पेसिफायर होंगे। और अभी अभी आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्सेसिंग हो सकती है। प्राइवेट का मतलब है यहाँ पर आप डिक्लेयर, हर प्राइवेट में भी आप डेटा मेंबर फंक्शन करेंगे, प्रोटेक्टेड में डेटा मेंबर फंक्शन, पब्लिक में डेटा मेंबर और फंक्शन। तो क्लास जो स्टूडेंट है इसमें जो प्राइवेट है इसके अंदर आपने ये तीनों दे दिए, देखिए कैरेक्टर, इंटीजर, इंटीजर फ्लोट जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। प्रोटेक्टेड के अंदर एक कैरेक्टर दे दिया, पब्लिक के अंदर आपने यहाँ फंक्शन दे दिया, वॉइड वर्ड है, गेट डेटा, शो डेटा, इस तरीके से आ गया। तो ये तरीका होता है क्लास को, क्लास से शुरू करते हैं, क्लास ही लिखा जाता है, एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस का, नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ये आपका यूजर डिफाइंड है। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक ये तीनों यूज कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, तीनों को छोड़ दीजिए, अपने आप चीजें प्राइवेट हो जाएंगी। अगर आप पब्लिक देना चाहते हैं तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड को स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ ब्रेस शुरू होगा, ब्रेस एंड होगा और सेमी कॉलम से बंद होगा। कैसे रेफर करेंगे क्लास मेंबर को? जो डेटा मेंबर्स हैं क्लास के अंदर, जो मेंबर्स होते हैं क्लास के अंदर, दो चीजें आपने देखी, मेंबर्स हैं, फंक्शन है।
तो जो भी डेटा मेंबर है क्लास के, उसको एक्सेस करने का तरीका जो जो प्रपोज किया गया है वो है मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस करिए, राइट। जरूरी नहीं है कि कोई आप ऑब्जेक्ट का नाम लगाएं, प्रिफिक्स करें, लेकिन अगर आप बाहर से एक्सेस करते हैं, ओके, तब आप डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट के साथ कैसे करेंगे। क्रिएट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट को, आपने एक क्लास बना ली, क्लास का नाम लिखिए, ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, जैसे आपने अभी भी स्टूडेंट क्लास बनाई थी, उसके आगे आपने एस वन लिख दिया, एस वन ऑब्जेक्ट हो गया। यानी स्टूडेंट की जो ब्लू प्रिंट है उससे आपने एक फोटो कॉपी निकाली, ये जो फोटो कॉपी एस वन, इसके पास सारी वो चीज आ गई जो उस क्लास के अंदर थी। अब एक्सेस करेंगे मेंबर्स को कहां से, ऑब्जेक्ट। अभी हमने यहां पर एस वन ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मान लीजिए कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, उसको तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें पब्लिक क्या क्या जरा देखिएगा, इसमें पब्लिक है आपका दो फंक्शन, एक शो डेटा एक गेट डेटा। तो शो डेटा और गेट डेटा को हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, एस वन डॉट गेट डेटा, एस वन डॉट शो डेटा। डिफाइन कैसे करेंगे क्लास मेंबर और मेंबर फंक्शन को, दो तरीके हैं मेंबर फंक्शन को अगर क्लास के अंदर आपको क्लास के लिए डिफाइन करना है। एक तो अंदर कर सकते हैं, इनसाइड क्लास, क्लास के अंदर कर सकते हैं, एक आउटसाइड कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको अंदर करना है तो आपकी क्लास के बॉडी में ही फंक्शन को डिफाइन कर दीजिए और इसको हम इनलाइन समझते हैं बाय डिफॉल्ट। आउटसाइड का मतलब ये है कि जो फंक्शन प्रोटोटाइप है उसको बाहर देंगे, बस ये इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका उपयोग होगा ताकि पता चले कि हाँ भाई किस क्लास का है, किस ये फंक्शन किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। इसका मैं सिंटेक्स बताता हूँ आपको। ये सिंटेक्स है कि मेंबर को आउटसाइड देना है आपको, ये है आपको एग्जाम्पल कि किस तरीके से डिफाइन करना है मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास। उसके लिए आप रिटर्न टाइप लिखेंगे जो कि यहाँ से वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ आपके क्लास का नेम होगा, अभी हम स्टूडेंट क्लास बनाई हमने तो स्टूडेंट लिख देंगे, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, ये शो डेटा हो गया। कोई पैरामीटर है तो पैरामीटर की लिस्ट भी दे देंगे, अभी यहाँ पर हमारे पास है नहीं इसलिए हम इसको खाली छोड़ रहे हैं। बॉडी ऑफ द फंक्शन, जो बॉडी आपको लिखनी है, ये फंक्शन क्या काम करने वाला है, ये शो डेटा क्या करने वाला है, नाम एज और मार्क्स दिखाने वाला है। अगर आपको मेंबर फंक्शन अंदर देना है क्लास के बॉडी के अंदर, ये एक तरीका है इसको देने का। ये एग्जांपल है मेंबर फंक्शन आउटसाइड क्लास बॉडी, ये है इनसाइड विद इन क्लास बॉडी। तो हमने क्लास लिखी स्टूडेंट, क्लास लिखी स्टूडेंट, ये कंटेंट इसमें दे दिए, ये भी कंटेंट इसमें दे दिए, पब्लिक के अंदर आपने यही फंक्शन लिख दिया। देखिएगा ये फंक्शन हम बाहर लिखेंगे, ये फंक्शन हम बाहर लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन अंदर लिखने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। वॉइड इसका रिटर्न टाइप लिखिए, नाम लिखिए और यहाँ पर अपना जो भी आपको सी इन सी आउट वगैरह करना है वो कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अंदर वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले जो डिस्प्ले करना कर दीजिए, जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। बाहर करना है तो यहाँ पर शुरू करिए, यहाँ पर एंड कर दीजिए इसको। यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ शुरू किया था, यहाँ एंड किया, इस जगह पे यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ एंड कर देंगे। अब आपके ये जो फंक्शन है एंटर और डिस्प्ले को कैसे दिखाना है मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ लिखेंगे डेटा टाइप, यहाँ क्लास का नाम, यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के फंक्शन का नाम। ऐसे यहाँ पर देखिए वॉइड स्टूडेंट, ये चीज़ कॉमन है दोनों में, यहाँ से यहाँ तक ये देखिएगा दोनों में कॉमन है। और उसके बाद ये एंटर और डिस्प्ले, एंटर डिस्प्ले का मतलब ये फंक्शन आपने लिखा, ये फंक्शन लिखा, और ये जो कॉन्टेंट है बिल्कुल सेम है, देखिए इसका ये भी कॉन्टेंट इसके सेम है। ये हमने थोड़ी बहुत बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।